Okay. Good morning, all of you. This is Sandhya Vishwakarma from Government Middle School Sydney, Abhampur, Raipur. I hope all are you better now. This is, I can see here Pushbu and uh, Nitu. Kusum, Himlata, thank you all of you. And Kusum, uh, Kushbu, Himlata, keep joining all the time today. And uh, tell your friends in the group that uh, they should join now, right now. Okay, this is Ankit here. Good morning, Ankit. How are you? Okay, okay. ankit khushbu kusum hemlata all of you very good morning today we are now going to start your class of class 6 but this is not of class 6 but also you will learn here the story of gopal bhan in a new way okay तो आप सभी को पता है गोपाल भान एंड महाज्ञानी पंडित की story. और uh, this story belongs to our डेली रूटीन लाइफ ऑल्सो दैट हाउ कैन वी ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन वी गो थ्रू इंटेलिजेंटली इन आवर डेली प्रॉब्लम्स ओके वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास दिस इज संध्या विश्वकर्मा यू नो एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आप सभी को पता ही है कि राजा कृष्णचंद्र राय देख रहे हैं जैसा आप लोग आप लोग जैसा कि देख रहे हैं आ, आपके स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा हो रहा होगा गोपाल भांड एंड महाज्ञानी पंडित चैप्टर नंबर थर्टीन है आपका क्लास सिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ओके? Okay? Okay. ओके ठीक है बच्चों गोपाल भांड और राजा कृष्ण चंद्र राय के बारे में आप लोगों ने क्लास सेवन क्लास एट क्लास सिक्स सब में पढ़ा होगा तो क्लास सिक्स की स्टोरी आप लोग एक बार रिमाइंड करेंगे गोपाल भांड और महाज्ञानी पंडित की स्टोरी जब एक बार बहुत ही गुड मॉर्निंग मैम और गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अंकित ओके वेरी गुड मॉर्निंग एंड टुडे यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ न्यू ओके ओके टुडे यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ न्यू वे ऑफ लर्निंग ओके 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 आपको स्लाइड दिख रही होगी बेटा है ना स्लाइड आपको दिख रही है गोपाल भांड एंड महाज्ञानी पंडित की और आगे भी आपको आपके चैप्टर्स को इसी अकॉर्डिंग में ट्राई किया जाएगा कि आप लोग जैसे जैसे बताते रहेंगे आपके टॉपिक्स को इसी तरह से शेयर किया जाए तो मैं आपको सबसे पहले कहानी बता देती हूँ और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता देती हूँ दुणी दुणी दुणी। अभी आप लोगों ने सभी बच्चों ने अपना माइक तो अनम्यूट किया म्यूट किया ही होगा तो अभी अपना माइक म्यूट ही रखेंगे और जब आपको कुछ कहना हो कुछ पूछना हो स्लाइड के बारे में या टॉपिक के बारे में तो आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज की जो क्लास है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हम क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में आज हम जानेंगे राजा कृष्ण जो चंद्र थे बंगाल में रूल करते थे उनके बारे में उनके अबाउट हिज किंग एंड अबाउट हिज कोर्ट और क्या सेकंड टॉपिक होगा आपका टू लर्न अबाउट डिफरेंट मीनिंग्स जो इस पार्ट में डिफरेंट मीनिंग्स आए हैं उन मीनिंग्स को जो आपको एवरी टाइम आपके क्लास में सिक्स सेवन एट नाइन्थ एवरी टाइम वो आपके ऊपर रूल करते हैं आपके ऊपर वो राज्य करते हैं वो शब्द उन शब्दों को आप जानेंगे कि वो शब्द आपके लाइफ में कैसे चलते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है जैसे कि नॉलेज है एक शब्द एक फिलॉसफी है और एक रिलीजन है इन तीनों शब्दों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और थर्ड टॉपिक होगा टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स जब मैं कहानी बताऊंगी उसके बाद दो तीन स्टेटमेंट होंगे ट्रू फॉल्स के आपको उसे समझाया जाएगा और टू स्टडी अबाउट एडवर्ब्स एडवर्ब की क्लास हमने जो लास्ट टाइम की थी उस एडवर्ब की क्लास को हम एक बार फिर मैं बताऊंगी आपको कि किस समय वो आपके क्लास सिक्स में चैप्टर में आए थे और आपने उनको किया था सो लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स First topic our to know about king and his court. Okay, so this is the chapter you read in class 6 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी पंडित राजा कृष्ण चंद्र रूल ओवर अ पार्ट ऑफ बेंगाल अबाउट 200 हंड्रेड इयर्स 200 दो सौ साल पहले राजा कृष्ण चंद्र ने बेंगाल में रूल किया था हिज कोर्ट jester वॉज गोपाल भांड उनके कोर्ट जेस्टर थे गोपाल भांड जो राजा को uh, एंटरटेन uh, करते हैं उनकी परेशानियों को uh, थोड़ा डिमोलिश uh, करने का काम करते हैं ओके okay. uh, तो थ्रू um, दो गोपाल भांड हैड नॉट स्टडीड बुक्स ही वॉज़ वेरी वाइज मैन वो बहुत गोपाल भान जो उनका कोर्ट जस्टर था बहुत ही किताबों का अध्ययन तो नहीं किया था लेकिन बहुत वाइज मैन था एक बार क्या हुआ एक बहुत ही महाज्ञानी पंडित जो है उनके कोर्ट में आया जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा उनके कोर्ट में आया उसे बहुत ही नॉलेज था किसका फिलॉसफी एंड रिलीजन का फिलॉसफी यू नो दर्शन शास्त्र और रिलीजन धर्म का उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन वेरी वाइजली पीपल हु टू टॉक हिम बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग उससे लोग बातें करके बहुत ही अमेज थे बहुत आश्चर्यचकित थे लेकिन कोई उसकी मदर टंग को पहचान नहीं पा रहे थे मदर टंग आप जानते हैं मदर टंग मीन्स होता है आपकी जो मातृभाषा होती है जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा क्या है छत्तीसगढ़ी है जो जिस क्षेत्र में रहता है जहाँ पैदा होता है जहाँ पलता बढ़ता है वहाँ की जो बोली जो भाषा होती है वो उसकी मदर टंग कहलाती है जैसे पूरे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमारी मदर टंग क्या होगी हिंदी हमारी जो हम कहीं दूसरे देश में जाएंगे तो हमारी मातृभाषा में अगर हम हमें किसी से बात करनी है तो हमारी मातृभाषा होगी वहाँ हिंदी सो नाउ कम टू द टॉपिक वेन एवर दे आस्ट हिम ही स्माइल एरोगेंटली जब उससे कोई पूछते थे कि बताओ आप तो बहुत सारी भाषाएं जानते हैं लेकिन आ, आप एक्चुअली में कौन से रिलीजन से कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपकी मातृभाषा क्या है ही सेड वो मेरी मदर टंग को बहुत आसानी से पहचान जाएगा ओके सो राजा कृष्ण चंद्र वॉज वेरी अपसेट सो ही अनाउंसड रिवॉर्ड फॉर एनी वन हु पंडित मदर टंग राजा कृष्ण चंद्र जो थे बहुत ही अपसेट हो गए उनके दरबार में इतने लोग थे कोई नहीं बता पा रहे थे तो उन्होंने एक रिवॉर्ड एक इनाम की घोषणा की जो इस पंडित की मदर टंग पहचान जाएंगे बता लेंगे उन्हें हम इनाम देंगे सो ऑल स्कॉलर्स लिसन टू महाज्ञानी अटेंटिवली बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग जितने दरबारी थे सब ने बहुत प्रयास किया बहुत ही कोशिश की लेकिन उन्होंने उनकी मातृभाषा नहीं पहचान पाई वो बता नहीं पाए सो so, उसके बाद क्या हुआ गोपाल भांड भी वहाँ थे वो वहाँ आए बोले यो आइन महाराज मुझे भी एक चांस दीजिए तो मैं आपको इस महाज्ञानी पंडित की जो मदर टंग है उसे मैं बताने की कोशिश करूँगा तो जो सारे दरबारी थे वो हंसने लगे कि जब इतने बड़े बड़े लोग इस दरबार में बैठे हुए नहीं पहचान पाए तो ये गोपाल भांड जो कभी कोई पुस्तक ही नहीं पढ़े हैं बुक ही नहीं पढ़े हैं वो कैसे बता पाएंगे तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार तो चांस दीजिए ओके okay. uh, फिर क्या हुआ अगले दिन uh, महाराज जो है अपने गार्डन में घूम रहे थे वहाँ पे गोपाल भांड गए और उन्होंने कहा क्या कहा देखिए आपके टॉपिक में यहाँ है द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन गोपाल भांड रैन अप गोपाल भांड दौड़ कर उनके पास गए एंड टोल हंग क्विकली एंड सेड उन्होंने कहा आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित द यू आर गोइंग टू ऑनर हिम विद अ गोजेज मैंने महाराज महाज्ञानी पंडित से कहा है कि आपने उन्हें फूलों के हार से गुलाब के फूलों के हार से आपने उन्हें सम्मानित करने का आ, की योजना बनाई है ओके okay, तो राजा ने कहा नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है लेकिन फिर गोपाल भांड ने कहा कि मैंने उसे उनसे ऐसा कहा है प्लीज वेट अ मोमेंट अगले ही क्षण जब महाज्ञानी पंडित वहाँ से आ रहे थे दौड़ के मुझे इस एक्सपेक्टेशन में कि मुझे फूलों के हार से सम्मानित किया जाना है तो गोपाल भांड झट से अपने आप को वहाँ झाड़ियों में छिपा लिए और जैसे ही वहाँ से वो गुजरे महाज्ञानी पंडित उन्होंने अपने आप आ, अपने पैर को वहाँ झाड़ियों में से निकाला और उन्हें ट्रिप कर लिया पैर फंसा लिया जैसा बचपन में हम लोग करते थे ना खेल खेल में आप लोग जानते होंगे हम लोग दरवाजे के पीछे छिप जाते थे और कोई आए गए कोई अपने दोस्त भाई बहन तो पैर अड़ा देते थे और वो बेचारा गिर जाता था और हम खूब हंसते थे तो ऐसा ही उन्होंने अपने बचपन का खेल वहाँ ट्रिप में अपनाया और वहाँ पे आ, पैर फंसाया और महाज्ञानी पंडित आ, वहां गिर गए और आप जानते ही होंगे जब हम गिरते हैं या में कोई अचानक से चोट लगती है तो हम क्या बोलते हैं कोई माइक अनम्यूट करके बता पाएगा जैसे ही हम गिरते हैं या में चोट लगती है तो हम क्या बोलते हैं एनी वन कैन एन म्यूट योर माइक एंड टेल मी जब हमें अचानक चोट लगती है तो हम क्या कहते हैं एनी वन कुसुम जब हमें चोट लगती है तो हम क्या कहते हैं Unmute your mic and tell me, माइक you there? जब हमें चोट लगती है तो हम बोलते हैं अरे माँ हे hey भगवान ए दई ए ददा बोलते हैं ना जब हमें चोट लगती है तो तो जब हमें चोट लगती है तो हम अपनी मदर टंग में ही बोलते हैं ओ माय गॉड या कुछ भी जो है वो हम बाद में बोलते हैं या आराम से बोलते हैं लेकिन अचानक जब हमें चोट लगती है तो हे माँ हे भगवान अरे मम्मी अरे पापा ऐसा ही आवाज निकलती है अपनी मदर टंग में तो ज्यो ही पंडित वो गिरा और उसने अपनी मदर टंग में उसे आ, हे माँ हे भगवान जो कुछ भी कहा और अपनी मदर टंग में उसे गालियां देने लगा कि तुमने मुझे क्यों फंसाया क्यों गिराया तो तब उसने कहा कि यही है आपकी मदर टंग यही है आपका मातृभाषा ओके okay, गोपाल भांड सेड योर हाइनेस नाउ यू नो वॉट इज पंड मदर टंग इज महाराज अब आपको तो पता चल गया ना कि पंडित की मदर टंग क्या है अब पंडित वहां खड़े हुए उठे

स्टोरी की समरी यही है कि देर वॉज किंग नेम राजा कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र नाम के एक राजा थे महाज्ञानी पंडित केम टू हिस्स डे एक दिन उनके कोर्ट में महाज्ञानी पंडित आए ही स्पोक मेनी लैंग्वेजेस एंड चैलेंज द कोर्ट टू आइडेंटिफाई हिज मदर टंग उसने वहां बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली बहुत सारी भाषाएं बोली और वहाँ चैलेंज किया कि मेरी मातृभाषा कौन बता सकता है लेकिन कोर्ट में Uh, जो लोग थे वो कोई नहीं पहचान सके और गोपाल भांड ने कहा कि मुझे भी एक चांस दिया जाए और uh, मैं इनकी मातृभाषा पहचानूंगा उन्होंने अपने ट्रिक से अपनी चाल से अपने बुद्धि और अपने दिमाग से उन्होंने uh, उनकी मातृभाषा पहचान ली ओके सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ये है आपके मीनिंग यू नो जेस्टर जेस्टर मीन्स जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट मीनिंग जेस्टर जेस्टर मीन्स होता है Uh, कोई मजाकिया व्यक्ति जो आपको um, हंसाए uh, पहले uh, जो महाराज रहते थे राजा रहते थे उनके राज दरबार में इंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन होते थे नृत्य करने वाले गाना सुनाने वाले मजाक करने वाले ताकि वो अपने डेली के चिंताओं से परेशानियों से वो uh, निकल सकें फ्लुएंट मीन्स होता है बहुत ही धारा प्रवाह से स्पीकिंग अ लैंग्वेज वेरी वेल किसी बात को किसी लैंग्वेज को हम बहुत आसानी से कह सकें फिलोसफी मीन्स क्या होता है फिलोसफी मीन्स होता है टू स्टडी द नेचर एंड रियलिटी सो यही हमारा आज का एक दो तीन शब्द थे फिलोसफी नॉलेज और रिलीजन आपको फिलोसफी समझना है दर्शन जो हम आ, किसी सत्संग में किसी आ, बड़े प्रवचन में जाते हैं तो जहाँ हम उनकी बातें सुनते हैं साधु महात्माओं या जिसे भी हम मानते हैं उनकी जो बातें सुनते हैं उसे कहते हैं हम फिलोसफी आइडेंटिफाई होता है टू नो पहचानना किसी चीज को पहचानना मीन्स होता है आइडेंटिफाई ओके okay? आपको ये सब मैं आपके ग्रुप में फिर से शे, शेयर कर दूंगी इन मीनिंग्स को यू कैन नोट इन योर कॉपी ओके स्कॉलर मीन्स क्या होता है स्कॉलर मीन्स होता है विद्वान वन हु नोज मच अबाउट अ सब्जेक्ट वह व्यक्ति जो किसी एक विशेष पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आसानी से बता सके उसको हम बोलते हैं स्कॉलर ओके अगला शब्द है आपका एक्सपेक्टेंट एक्सपेक्टेंट मीन्स होता है आपका होपफुल होपफुल यानी आशावादी बहुत हम किसी चीज के लिए आशा लगाए हो, एक्सपेक्ट करते हो उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेंट हेज मीन्स क्या होता है हेज मीन्स आपने देखा होगा खेत या खेत में जो अनाज उगे रहते हैं उनके अगल बगल जो झाड़ियाँ उग जाती हैं उसे हम बोलते हैं हेज अरो ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग क्लोज टुगेदर एक के पास एक के पास एक जो प्लांट्स छोटे छोटे उग जाते हैं उसे हम बोलते हैं हेज ट्रिप मीन्स ट्रिप मीन्स होता है मेक समवन फॉल किसी को गिराना फंसा लेना एंड ट्रिक ट्रिक मीन्स होता है अ क्विक एंड क्लेवर वे टू डू समथिंग किसी कार्य को करने के लिए बहुत ही क्लेवर वे चतुराई से किया गया कार्य हम बोलते हैं अपने डेली यूज लैंग्वेज में ये ट्रिक से मैंने ये कार्य कर लिया ये ट्रिक लगाया अटेंटिव मीन्स होता है केयरफुल बहुत ही सावधान अटेंटिव यानी केयरफुल बहुत ही सावधान किसी कार्य के प्रति हेजिटेंट मीन्स क्या होता है हेजिटेंट मीन्स होता है हिचकिचाहट अनसर्टेन किसी कार्य के प्रति हम बहुत हेजिटेट होते हैं हिचकिचाते हैं जैसे बच्चे बहुत किसी उसे मंच पे खड़ा कर दिया जाए क्लास किसी भी क्लास के बच्चों को अचानक से कि आओ मंच पे कुछ बोलो तो कुछ बच्चे तो बोल लेते हैं लेकिन कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट जो हिचकिचाते हैं बोलने में उसे बोलते हैं हेजिटेंट एरोगेंट मीन्स एरोगेंट मीन्स होता है प्राउड प्राउड मीन्स घमंडी किसी या गर्व किसी कार्य के लिए बहुत एरोगेंटली बिहेव करना या प्राउडली बिहेव करना ओके okay. अब आते हैं इस पार्ट के जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ट्रू फॉल्स जो आपने कहानी सुनी उस कहानी को हम अपने माइंड में एक बार रिवाइज करेंगे और ट्रू फॉल्स बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट जो हमने कहानी में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है दैट इज कॉल्ड ट्रू एंड फॉल्स गोपाल भांड न्यू मेनी लैंग्वेजेस गोपाल भांड बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे इज इट ट्रू और फॉल्स एनी वन कैन एन म्यूट योर माइक एंड मी गोपाल भांड न्यू मेनी लैंग्वेजेस गोपाल भांड बहुत सी भाषाएं जानते थे दैट इज़ फॉल्स गोपाल भांड ने कोई भी कहानी नहीं पढ़ी थी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी वो uh, कभी स्कूल नहीं गए थे तो उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान नहीं था दैट इज़ फॉल्स महाज्ञानी वॉज अ प्राउड मैन महाज्ञानी पंडित एक प्राउड मैन थे प्राउड मैन थे उन्हें बहुत गर्व था अपने ऊपर कि मैं बहुत सारी भाषाएं जानता हूं तो दिस स्टेटमेंट इज राजा के दरबार में बहुत सारे विद्वान व्यक्ति थे दैट इज ऑल्सो ट्रू राजा के दरबार में बहुत सारे विद्वान पंडित जानकार लोग बहुत सारे दरबारी थे दैट इज ट्रू द पंडित हैड गुड नॉलेज ऑफ डांस एंड म्यूजिक पंडित को डांस और म्यूज़िक का बहुत अच्छा ज्ञान था तो पंडित को डांस और म्यूज़िक का नहीं बल्कि फिलॉसफी एंड रिलीजन का बहुत ज्ञान था तो दिस स्टेटमेंट सोज दैट ही नोज डांस एंड म्यूज़िक दिस इज़ फॉल्स उसे डांस और म्यूज़िक नहीं फिलॉसफी एंड रिलिजन का ज्ञान था राजा कृष्णचंद्र रूल्ड ओवर बंगाल नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ तो इसमें कह रहा है कि राजा कृष्णचंद्र जो है वो बंगाल पर रूल करते थे तो ये भी स्टेटमेंट है ट्रू वो बेंगाल के राजा थे अगला स्टेटमेंट क्या है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं आगे हमारा आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टेटमेंट uh, के बाद आते हैं क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन होंगे और आपको उनका आंसर देना होगा ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉज गोपाल भांड गोपाल भांड कौन थे तो आपको बहुत ही आसानी से जब आपने कहानी सुनी होगी स्टार्टिंग में तो आपको पता चला होगा गोपाल भांड वॉज द कोर्ट जेस्टर ऑफ राजा कृष्ण चंद्र गोपाल भांड वॉज अटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वट आस्क नोस नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क दाई डिड द राजा अनाउंस फॉर अ रिवॉर्ड राजा ने रिवॉर्ड की घोषणा क्यों की राजा अनाउंस फॉर एनी वन हु कुड टेल द पंडिट्स मदर टंग पंडित की मदर टंग जो बता लेगा उसके लिए राजा ने इनाम की घोषणा की थी आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिट गोपाल भांड हाइड हिम सेल्फ बिहाइंड द हेज गोपाल भांड ने स्वयं को हेज के पीछे क्यों छुपा लिया था तो उन्होंने आपको पता ही है कि उन्होंने मदर टंग को पहचानने के लिए छुपाया था वो आए और उन्हें अपने आ, जाल में फंसाकर उनकी मदर टंग को वो पहचान सके सो so, हम लिखेंगे गोपाल भान बिहाइंड द हेज टू नो द पंडित मदर टंग पंडित की मदर टंग को जानने के लिए गोपाल भान ने अपने आप को हेज के पीछे छिपाया था आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर वाई वॉज द किंग एंग्री राजा अपने दरबारियों पर नाराज क्यों हो गए उनके दरबार में तो बहुत सारे विद्वान थे बहुत सारे पंडित थे फिर वो उनके ऊपर नाराज क्यों हुए वो उनके ऊपर नाराज हुए द किंग वॉज एंग्री बिकॉज नो वन कुड आइडेंटिफाई द पंडित्स मदर टंग इतने सारे महाज्ञानी और इतने सारे स्कॉलर्स होते हुए भी कोई भी पंडित की मदर टंग को नहीं पहचान पाए इसलिए राजा जो है वो एंग्री हो गए अगला क्वेश्चन है वाई डिड द पंडित कर्स गोपाल भांड गोपाल भान को आ, पंडित ने क्यों भला बुरा कहा कर्ज क्यों किया क्यों भला बुरा कहा क्योंकि उन्होंने अपना पैर फंसाकर उन्हें गिरा दिया था तो कैसे लिखेंगे इसे द पंडित कर्ज गोपाल भान बिकॉज ही पुट हिज लेग आउट एंड चिड हिम उन्होंने आ, उन्हें अपना लेग आउट करके ट्रिप कर लिया था इसलिए उन्होंने उन्हें कर्ज किया भला बुरा कहा अगला क्वेश्चन है लास्ट ज डिड द पंडित कर्स गोपाल भान इन तो इसमें है द पंडित कर्स गोपाल भान इन मदर टंग पंडित ने उन्हें किस लैंग्वेज में भला बुरा कहा तो उन्होंने उन्हें अपने मदर टंग में भरा भूरा कहा था आगे आते हैं अब है रिडल्स रिडल मीन्स यू नो रिडल्स मीन्स you know? क्या होता है रिडल मीन्स होता है पहेलियां पहेलिया आप लोग आपस में एक दूसरे से कहते हैं समझते हैं पूछते हैं तो पहेलियों को हम कैसे बुझते हैं कहते हैं ना पहेली बुझो या बुझो पहेली। तो एक पहेली है ही वॉज अ रूलर ही रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल हु वॉज ही वह एक रूलर थे यानी राजा राज्य करने वाले थे और वो बंगाल के ऊपर राज्य करते थे हु वॉज ही वो कौन थे तो कौन थे आपके पार्ट में वो राजा हैं राजा कृष्ण चंद द आंसर इज राजा कृष्ण चंद आइए अगली पहली देखते हैं पहली है ही वॉज अ कोर्ट जेस्टर वो एक कोर्ट जेस्टर थे ही हैड नॉट स्टडीड बुक्स बट ही वॉज अ वाइज मैन उन्होंने किताबों का अध्ययन तो नहीं किया था लेकिन बहुत ही वाइज मैन थे हु वॉज ही वो कौन थे हु वॉज ही ही वॉज गोपाल भान गोपाल भान थे राजा के कोर्ट जस्टर नेक्स्ट इज ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस फ्लुएंटली वो सारे इंडियन लैंग्वेजेस बहुत ही फ्लुएंटली बहुत ही धारा प्रवाह से बोल लेते थे ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन उन्हें फिलासफी और रिलीजन का बहुत अच्छा ज्ञान था दर्शन का और धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान था हु कौन थे वो थे महाज्ञानी पंडित अब आते हैं वॉकबुलरी जैसा कि आपके बुक में अक्सर रहता है फिलअप्स रहते हैं क्वेश्चन आंसर रहते हैं ट्रू फॉल्स रहते हैं तो आपको वॉकबुलरी देखनी है फिल अप्स ओके खाली स्थान भरिए ओके ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसमें आपको खाली स्थान भरना है पहला दिया है गोपाल भान वाज अ डैश इन द कोर्ट ऑफ द राजा कृष्ण चंद्र राजा कृष्ण चंद्र के राज्य में गोपाल भांड तो क्या भरेंगे जेस्टर ही वॉज अ जेस्टर गोपाल भांड वॉज अ जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ द किंग राजा कृष्ण चंद्र नंबर बी एवरी वन स्पीक्स वंस मदर टंग डैश द आंसर इज मदर टंग फ्लुएंटली ओके नेक्स्ट वन डॉक्टर एस राधाकृष्णन कृष्णन वॉज अ ग्रेट तो क्या भरेंगे इसमें क्या थे राजा कृष्णन स्कॉलर डॉक्टर एस राधा कृष्णन वॉज अ ग्रेट स्कॉलर डी ट्रैवलर शुड बी डैश क्या भरेंगे अलर्ट ट्रैवलर शुड बी अलर्ट अबाउट देयर लगेज वाइल ट्रैवलिंग यात्रियों को यात्रा करते समय अपने लगेज के लिए या अपने सामान के प्रति अलर्ट रहना चाहिए सावधान रहना चाहिए नंबर ई द पुलिस डैश द थीफ बाय हिज क्लोथ्स पुलिस ने कैसे पकड़ा चोर को आइडेंटिफाइड पहचान लिया द पुलिस आइडेंटिफाइड द थीव बाय हिज क्लोथ्स हियर इज द आंसर नंबर वन जेस्टर टू फ्लुएंटली थ्री स्कॉलर डी अलर्ट एंड ई आईडेंटी फाइ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हु एम आई फाइंड दर्ड यह भी पहलियों जैसा ही है लेकिन ये कुछ अलग है मुझे पहचानिए मैं कौन हूं ओके माई फर्स्ट लेटर इज इन टैप एंड सेट माई सेकेंड लेटर इज इन रीड एंड नॉट इन लीड माई थर्ड लेटर इज नॉट इन एंड इन एंड माई फोर्थ लेटर इज बोथ इन पॉट एंड पेन ओके मेरा पहला अक्षर टैप में है और सेट में है टैप और सेट में कॉमन क्या है टी सेकेंड लेटर रीड में है लेकिन लीड में नहीं है रीड में क्या है कॉमन और लीड में दैट इज आर मेरा थर्ड लेटर सेट और हिम दोनों में है ओके okay. और नेक्स्ट uh, मेरा अगला लेटर पॉट एंड पैन पॉट में भी है और पैन में भी है ठीक है तो मैं कौन हूं एम ट्रिप इस लेटर को बोलते हैं ट्रिप ओके okay. अलाउ कर दिया है आपने ओके okay. तो अंकित और खुशबू इसमें आपको अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं आगे फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे जो हमने एडवर्ब लास्ट क्लास में पढ़ा था उसका एडवर्ब का एक छोटा सा टॉपिक बचा है उसको हम लोग बता सकते हैं ठीक है अभी आपको कुछ पूछना है ओके देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट हु एम आई हाँ बोलो अंकित खुशबू ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड है हु एम आई सेकेंड हु एम आई इज माई फर्स्ट लेटर इज इन हैट एंड हैन मेरा पहला लेटर आता है हैट में और हैन में माई सेकेंड लेटर इज आई पहला आता है हैट और हैन में यानी एच दूसरा आई है माई थर्ड लेटर इज इन डॉग एंड डिन थर्ड लेटर है डॉग और डिन दोनों में कॉमन है यानी कि डी तो थर्ड हमारा सेकेंड आंसर है हिड हिड यानी स्वयं को छिपा लेना ठीक आगे आते हैं आगे हमारा है राइमिंग वर्ड राइमिंग वर्ड आपको पता है सबको क्या होता है राइमिंग वर्ड राइमिंग वर्ड मीन्स होता है एक समान बोले जाने वाले शब्द जिसको हम लोग तुक तुकबंदी भी बोलते हैं है ना है ना आ, हाँ एक समान बोले जाने वाले शब्द ये आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं बोल सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ओके ओके यस, यस, ओके नेक्स्ट वन लीड ओके वेरी गुड हिट डिड किड एंड लिड नेक्स्ट आपको आज मैं ऐसा ही होमवर्क एक दूंगी इसी राइमिंग को Uh, कोई भी शब्द दूंगी उसको आपको राइम करना होगा आप जानते हैं जब आप राइमिंग आपको करने आता है तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी पोयम लिख सकते हैं कोई भी कविता लिख सकते हैं आप बहुत ही आसानी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं दूसरी राइमिंग दूसरा बच्चा पढ़ेगा फिर से पढ़ो वेरी गुड स्क्रीम ड्रीम ड्रीम और जिम हम्म hmm. यस yes. आगे पढ़ो अंकित ड्रीम ड्रीम वेरी गुड नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन आगे वेरी गुड ट्रैप स्क्रैप मैप एंड नैप दिस इज कॉल्ड राइमिंग जब हम एक समान बोल पाते हैं लास्ट वन आखिरी पढ़ो hedge hedge cage page ओके okay. आगे दिस इज hedge edge cage एंड page है ना जब हमने एक सामान्य से बोला है आगे चलो आगे देखते हैं ग्रामर अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमने कहा था कि हमारा टॉपिक आता है आगे एडवर्ब्स uh, हमने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में कि हमने ओके okay. चल sure. uh, आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड लेटर्स में ब्राइट स्लो फुलिश इजी और स्मार्ट दीज आर एडजेक्टिव्स ओके दीज आर एडजेक्टिव्स दे शो देअर क्वालिटी ओके दे शो द क्वालिटी ऑफ नाउन्स आर प्रोनाउंस क्वालिटी बताने वाले शब्द हैं हमने सब में अब एल वाई जोड़ा है और उन्हें नए सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाया है द लैम्प वॉज ब्राइट अब ब्राइट में हमने एल वाई लगाया तो हो गया ब्राइटली ठीक है ब्राइट यानी चमकदार ब्राइटली यानी चमकदार से हमने से जोड़ा है सब में ठीक है चमक से स्लो स्लोली फुलिश फुलिशली इजी ईजीली स्मार्ट एंड स्मार्टली द दैम्प वॉज ब्राइट इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली द स्नेल इज स्लो स्नेल आप जानते हैं स्नेल हिंदी में क्या बोलते हैं स्नेल को कोई बताएगा पानी में रहता है बहुत स्लो चलता है बाहर भी चलता है घोंगा आप लोगों ने देखा होगा द स्नेल इज स्लो इट मूव्स स्लोली द बॉय वॉज फुलिश इट मूव्स ही आंसर्ड फुलिशली द सम वॉज ईजी दे सॉल्व इट ईजीली सम यानी जोड़ का सवाल एडिशन है ना जोड़ का सवाल जिसे हम सम बोलते हैं एडिशन भी बोलते हैं जोड़ का सवाल बहुत इजीली था दे सॉल्व इट इजीली उन्होंने इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया द गर्ल इज स्मार्ट सी टॉक्स स्मार्टली लड़की बहुत स्मार्ट थी वह बहुत स्मार्टली से बातें कर रही थी ठीक है एक बार और इसे रीड करेंगे द लैम्प इज ब्राइट इट वॉज शाइनिंग ब्राइटली द स्नेल इज स्लो इट मूव्स स्लोली द बॉय वॉज फुलिश ही आंसर्ड फुलशली द सम वॉज ई दे सॉल्व्ड इट ईजीली द गर्ल इज स्मार्ट सी टॉक्स स्मार्टली ठीक है अब आगे देखते हैं इसे आपने जाना ये खाली स्थान भरने वाला था फर्स्ट आपका जो बोर्ड लेटर में लिखा हुआ है एड्जेक्टिव उनमें एल वाई लगाकर हमें उसे एडवाव बनाते हुए खाली स्थान भरना था जिसे अंडरलाइन किया हुआ है आगे देखते हैं अब आपके लिए मैंने एक होम असाइनमेंट बनाया है ठीक है घर में आपको करना है मैं इसे एकदम पूरी तरह कंप्लीटली समझाती हूँ और आपको उसी तरह इसको लिखना होगा ठीक है सेंटेंस बना के ठीक जैसे आपको तीन कॉलम दिख रहे हैं क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ मिसिज रॉय इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश मिसिज रॉय इंग्लिश की टीचर हैं शी हैज़ मेड सम नोट्स अबाउट हर स्टूडेंट्स उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ नोट्स बनाए हैं दे आर गिवेन बिलो नीचे दिए हुए है जैसे सीमा सीमा के बारे में सीता आशू सेवी रीता और सलमा के बारे में लिखा है कि राइट स्पीक रीड स्पेल राइट एंड लेसन वो ये सब कार्य करते हैं कैसा करते हैं उनके काम की विशेषताएँ बताई हैं परफेक्ट फ्लुएंट नाइस करेक्ट चेयरफुल एंड अटेंटिव अब इसे सेंटेंस कैसे बनाना है देखिए नीचे एग्जाम्पल जो दिया हुआ है सीमा राइट्स परफेक्टली आपको ऐसे ही बनाना है जो बीच में डैश 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 दिए हुए हैं उन डैश 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 को आपको रिमूव कर देना है हटा देना है अब उन तीनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है सब में आप एस लगा देंगे सबसे पहले तो बीच में जो सारे वर्ब्स जो क्रिया क्रिया शब्द हैं बीच में उन सब में एस लगाइएगा जैसे राइट्स स्पीक्स रीड्स स्पेल्स राइट्स एंड लेसेंस सब में एस लगा देंगे और लास्ट वाले में एल वाई लगा देंगे फर्स्ट एग्जाम्पल इज सीमा राइट्स परफेक्टली सेकेंड इज सीता स्पीक्स फ्लुएंटली थर्ड आशु रीड्स नाइसली फोर्थ सेवी स्पेल्स करेक्टली रीता राइट्स केयरफुली एंड सलमा अटेंटिवली ये तो आपका राइटिंग होमवर्क है घर का ठीक है घर पे बैठ के आज आपको दिन में लिखना है लेकिन उसको लिखने से पहले एक बार क्या आप मुझे पढ़ के प्रोनाउंस करके बता सकते हैं फर्स्ट वन जैसे रीता राइट्स परफेक्टली सो सीता वाला आप कैसे पढ़ेंगे सीता वाला पढ़िए वेरी गुड नेक्स्ट वन आंसू वाला बताइए वेरी गुड सेवी वाला बताइए सेवी स्पेल्स करेक्टली वेरी गुड रीता वाला बताइए नेक्स्ट रीता राइट केयरफुली वेरी गुड सलमा सलमा लिसेंस अटेंटिवली ओके ये आपका होम असाइनमेंट है घर के लिए काम है ठीक है अगला है होमवर्क होम असाइनमेंट है आपका राइम दीज वर्ड्स इन वर्ड्स की आपको राइमिंग ढूंढ कर लिखनी है दो तीन मैं बताती हूँ और बाकी दो तीन आप ढूंढ के बताएंगे जैसे डोर है डोर के लिए मोर हो गया शोर हो गया पोर हो गया और आप क्या ढूंढ सकते हैं थिन थि मीन्स पतला बिन पिन टिन और लास्ट वन है से से मीन्स होता है कहना से हे, हे मीन्स होता है घास फूस और डे डे मीन्स होता है दिन तो इन तीन शब्दों की राइमिंग और अपने से आप अपनी बुक से या अपने गूगल से कहीं से भी ढूंढ कर मुझे सेंड करेंगे ओके सो टुडे दिस वाज योर क्लास थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी हियर एंड एंजॉय योर डे एंड डू योर वर्क गिव इन bye बाय टेक केयर और कुछ आपको कुछ कहना है किसी को कुछ पूछना है ओके ओके इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉल मी और गिव मी एनी मैसेज ओके देन ओके ओके देन सी यू टुडे बाय बाय डू योर होमवर्क एंजॉय 拜拜。Bye bye.